वर्ल्ड विजिंग इंडिया एडीपी आगरा अर्बन के द्वारा एसएन मेडिकल कॉलेज में 20 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 15 बेड, 1400 हेड ग्लव्स, 450 N95 मास्क, 215 पीपीई किट, डिस्पोजल फेस मास्क आदि सामग्री एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला को आज उपलब्ध कराई गई। मेरा नाम साइमन जे सिंह है और मैं वर्ल्ड विजन का कार्य कर रहा हूँ। सर, आपके द्वारा आज सहयोग किया गया एसएन मेडिकल में, किस प्रकार का सहयोग और किस हद तक मानते हैं, आगे कब तक चालू रहेगा? क्योंकि कोरोना काल या एक महामारी के जैसा है, जहाँ पर जिसने लोगों के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है, तो वर्ल्ड विजन ने भी एक प्रयास किया कि हम जो लोग मर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं समय से, इसलिए शायद वो भी एक समस्या है कि जिसके कारण लोग ज़्यादा मर रहे हैं। तो वर्ल्ड विजन ने ये प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य विभाग है, उनको हम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करें, जो इक्विपमेंट्स नहीं है वो उपलब्ध कराएं, ताकि लोगों की जान बच सके। अगर मैं आगरा में कहूँ तो एसएन मेडिकल कॉलेज में हमने पिछले लहर में भी हमने कुछ सामान को दिया था, और इस समय हमने 15 डिस्पोजेबल बैग दिए हैं, 20 10 लीटर वाले कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं, जहाँ पर 450 N95 मास्क हैं और 215 पीपी किट हैं, और 400 के लगभग हमारे जो ग्लव्स जो स्टाफ के लिए यूज़ हैं वो सारी चीज़ें, और अन्य जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 10 कॉन्सेंट्रेटर को दिया, विमेन हॉस्पिटल्स में हमने 10 कॉन्सेंट्रेटर को दिया है, और PHC जो सागंज वन में है वहाँ पर भी हमने जितने भी जैसे ग्लव्स हैं, मास्क हैं और पल्स ऑक्सीमीटर हैं, टेम्परेचर है, सैनिटाइजर है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं कि कहीं ना कहीं हम जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सके। तो सामने भी अप्रिशिएट किया आपकी जी, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, और हम चाहते हैं कि हम छोटा सा एक योगदान कर सकें जहाँ पर हम लोगों की जान को बचा सकें। तो वर्ल्ड विजन का यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें, हम छोटा योगदान उसमें कर सकें। संस्था है जो NGO है, बच्चों के लिए काम करती है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है, पिछले साल भी जब मैं आया था, इन्होंने सदैव से कोरोना के दृष्टिगत इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमारे कॉलेज में रहा, और दोबारा इस साल भी, क्योंकि इस साल की जो लहर थी वो ख़राब है और बच्चों के संक्रमण होने की भी अधिक खतरा है, जिसमें तृतीय लहर आने में भी अभी 6 से 8 हफ्ते के लगभग जो आशंका जताई जा रही है, तो उसके दृष्टिगत ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इनके डिस्पोजेबल बैग्स और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमें बहुत अच्छे लगे, और ये जो मरीजों की जान बचाने के लिए और जो अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए बहुत काम आए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।